नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड होना चाहते हैं तो आप हमारे नए YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको रोजगार से जुड़े हर दिन के टॉप 5 समाचार सुनने को मिलेंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पिछले साल के मुकाबले इस बार अधिक होगा बिहार का बजट। बिहार में लागू हो सकता है ड्रोन गवर्नेंस। सब रजिस्ट्रार उमेश प्रसाद निकला धन कुबेर। राज्य में चावल मिलों की संख्या बढ़ाने का जारी हुआ आदेश। पटना पहुंचे ओम बिरला। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पिछले साल के मुकाबले इस बार अधिक होगा बिहार का बजट। बिहार का बजट जल्द ही पेश किया जाना है, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आगामी 28 फरवरी को वार्षिक बजट पेश किया जाना है। इसके लिए वित्त विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रस्तावित आकार की पूरी जानकारी मांगी है, ताकि उसके आधार पर बजट की रूपरेखा तैयार की जा सके। बताया जा रहा है कि इस बार का बजट पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिसमें कुछ नए ऐलान भी किए जा सकते हैं। जानकारों के अनुसार बजट आकार 2.40 लाख करोड़ हो सकता है। बिहार में लागू हो सकता है ड्रोन गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश समेत देश के दर्जन भर राज्यों ने कृषि, वन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, अपराध नियंत्रण, बिजली और दूसरे कई क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल से व्यापक सुधार देखने को मिला है। यही कारण है कि बिहार में भी ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में ड्रोन के व्यापक उपयोग पर मंथन जारी है। अगर इसे बढ़ावा मिले तो प्रदेश में ड्रोन गवर्नेंस का सपना साकार हो सकता है। साथ ही सरकारी सेवाओं को जनता तक सहज और सुलभ बनाने में मदद मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार के ड्रोन नीति लाने और 2022-23 के केंद्रीय आम बजट में ड्रोन के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए प्रावधान करने के बाद राज्य में भी सर्विस डिलीवरी को सहज करने के लिए इसकी जरूरत महसूस की जाने लगी है। अब थानों का सीसीटीवी फुटेज डीएम कोर्ट में भी। अब किसी भी मामले की जांच और सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर डीएम कोर्ट को भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों को पत्र लिखा है, जिसमें ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर डीएम कोर्ट को थानों में लगे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि डीएम कोर्ट को किसी खास घटना की जांच के लिए अगर सीसीटीवी फुटेज की जरूरत होगी तो वो रेंज के डीआईजी या आईजी को इसे लेकर लिखेंगे और उसके बाद डीआईजी के निर्देश पर थाने में लगे सीसीटीवी का फुटेज डीएम कोर्ट को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डीजीपी ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को लेकर पहले जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नया निर्देश जारी किया है। आयुष होम्योपैथिक और तिब्बी कॉलेज में नामांकन के लिए चॉइस फिलिंग इस दिन से। बिहार के सभी आयुष होम्योपैथिक और तिब्बी कॉलेज में नामांकन के लिए चॉइस फिलिंग की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इसको लेकर बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा पार्षद ने बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में नामांकन के लिए बुधवार को मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद ही अब तीनों कोर्सों में नामांकन के इच्छुक छात्र 20 से 24 फरवरी तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। पहले राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट 1 मार्च को जारी किया जाएगा। अब सब रजिस्ट्रार उमेश प्रसाद निकला धन कुबेर। बिहार में बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक धन कुबेर की जानकारी निकल कर केस सामने आ रही है, जिससे एक बात तो तय है कि बिहार में सरकार के नाक के नीचे काली कमाई का खेल हो रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन सब रजिस्ट्रार के घर में भी खूब सारा पैसा और ढेर सारे आभूषणों की बरामदगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। पूर्णिया के सब रजिस्ट्रार उमेश प्रसाद सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद बुधवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में आय से 1,11,30,835 रुपए अधिक की संपत्ति पाए जाने के बाद 12 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चारा घोटाला के एक और मामले में लालू की पटना में होगी पेशी। चारा घोटाला के मामले में घिरे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार किए जाने के बाद ही पटना में अब चारा घोटाला के एक ही और मामले में उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया है। इसको लेकर बीते दिन ही सुनवाई हुई थी। चारा घोटाला के RC 63A 1996 से जुड़ा यह मामला भागलपुर और बांका कोषागार से फर्जी विपत्र पर लाखों की निकासी का है, जिसके तहत पटना CBI की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चारा घोटाला के एक मामले में लालू समेत 3 आरोपियों को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है, जिसके बाद ही अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। पटना के सभी घरों में इस समय तक लग जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार में बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है। बिजली चोरी के कारण ही बिहार के बिजली विभाग को अब तक काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। यही कारण है कि बिहार सरकार समूचे बिहार भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है। वहीं बात अगर हम राजधानी पटना की करें तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान क्षेत्र के सभी 6 लाख उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने
की योजना है। इसके लिए हर दिन के हिसाब से 3000 मीटर लगाए जा रहे हैं। वर्तमान समय की बात करें तो अब तक पटना शहरी क्षेत्र में 2.25 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम नीतीश। अपने निजी कारणों से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सीएम नीतीश ने आज देर शाम दिल्ली पहुंचने की बात कही है। खबर ये भी है कि यहां वो अपने आंख के इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स भी जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 फरवरी को भूपेंद्र यादव की बेटी की शादी में भी शामिल होंगे। साथ ही 19 फरवरी को सुशील मोदी के बेटे की शादी में भी शिरकत करेंगे। राज्य में चावल मिलों की संख्या बढ़ाने का जारी हुआ आदेश। बिहार में बीते दिन सीएम नीतीश ने जू सफारी का उद्घाटन करने के बाद ही बिहार में हुए धान खरीद की शाम को समीक्षा बैठक बुलाई, जो कि उन्होंने अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर बुलाई थी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में धान की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। इस साल 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 44 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड अधिप्राप्ति हुई है। यह खुशी की बात है। इस बार 6,43,000 किसानों से अधिप्राप्ति की गई, जो एक रिकॉर्ड है। वर्तमान समय की बात करें तो किसानों को 8,800 करोड़ रुपए का ससमय भुगतान हो रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। यह राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि अब जन वितरण प्रणाली के लिए बिहार के चावल की आवश्यकता राज्य से ही पूरी हो जाएगी। पटना गायघाट शेल्टर होम केस की जांच के लिए हुआ एसआईटी का गठन। राजधानी पटना के गायघाट शेल्टर होम केस की चर्चा आप बीते कई दिनों से सुन रहे होंगे। वहीं अब इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस मामले को सुलझाने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर कई स्वास्थ्यों ने गंभीर आरोप लगाए थे। पटना एसएसपी ने बुधवार शाम पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों की माने तो इस मामले में गठित एसआईटी की टीम में एसपी के अलावा 8 दूसरे पुलिस पदाधिकारी भी शामिल है। मामले की जांच, अनुसंधान और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कमान एसआईटी की टीम को दिया गया है। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सिटी एसपी पूर्वी करेंगे। पटना पहुंचे ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पटना में होंगे। वो बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस पर लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान और बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करने पटना आए हैं। इस दौरान वो संसदीय लोकतंत्र की खूबियों पर बिहार विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करते देखे गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह के मुख्य अतिथि बने, और जबकि अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के आगमन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तैयारियों को लेकर बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17 फरवरी 2022 का दिन बिहार विधायिका के लिए गौरवशाली दिन होगा। बिहार यूपी के श्रम का किया अपमान, प्रियंका राहुल माफी मांगे। बीते दिन पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रैली कर रहे सीएम चन्नी और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने जैसे ही अपने अभिभाषण में बिहारियों का नाम लिया और उनका अपमान किया, उससे पंजाब में रहने वाले बिहारियों में तो गुस्सा देखने को मिला ही, साथ ही साथ बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी चन्नी और प्रियंका गांधी को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के राज्यसभा सांसद ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से माफी की मांग की है। इस बाबत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार और यूपी के लोगों को अपमान किया है। उनका बयान सरासर आपत्तिजनक और निंदनीय है, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दोनों राज्यों से माफी मांगनी चाहिए। छठे चरण की काउंसलिंग स्थगित होने के बाद अभ्यर्थी पहुंचे तेजस्वी के पास। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिनों ही अपना आदेश जारी करते हुए बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर हो रहे छठे चरण की काउंसलिंग को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए इसे स्थगित कर दिया, जिसकी पुष्टि शिक्षा विभाग की तरफ से कर दी गई थी। फिर क्या था, अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता नजर आया, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थी लंबे समय से नियोजन का ही इंतजार कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उनका इंतजार और बढ़ गया है, जिसके बाद ही सभी अभ्यर्थियों का गुस्सा भी बीते दिन देखने को मिला, जिसके तहत ही छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित करने को लेकर उन्होंने आवास पर मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे कहा कि इस मामले की पूरी तरह से समझने के बाद ही इस पर कोई बयान दे पाएंगे। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा कि विधानसभा चुनाव में किया गया कोई भी वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है, शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 123 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 976 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 2, बांका में 3, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 2, भोजपुर में 1, बक्सर में 2, दरभंगा में 2, ईस्ट चंपारण में 3, गया में 3, गोपालगंज में 3, जमुई में 1, कटिहार में 1, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 2, पटना में 26, पूर्णिया में 11, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 8,
सारण में 6, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 5, सुपौल में 7, वैशाली में 2, वेस्ट चंपारण में 3 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा एक ऐसे मामले की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,33,561 सैंपल की जांच की गई, वहीं 263 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मैन ऑफ द मैच रवि बिश्नोई की कप्तान रोहित शर्मा ने की जमकर तारीफ। बीते दिन भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली, जिसमें ही रवि बिश्नोई को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और मैन ऑफ द मैच चुने गए। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद उनकी जमकर तारीफ की और बताया कि आखिर क्यों वो टीम इंडिया के लिए काफी अहम गेंदबाज है। कप्तान रोहित ने मैच के बाद कहा कि देखिए, बिश्नोई बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए हम उनको टीम में लेकर आए। हमें उनमें कुछ अलग नजर आया था, उनके अंदर काफी है और काफी स्किल सेट है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को एक्स्ट्रा वैरायटी दे सकते हैं। हमें जिसकी तलाश थी वो पावर प्ले से लेकर आखिरी के ओवर तक गेंदबाजी कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिथुन कुमार, पंडित, कविता कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, राहुल शर्मा, नीतीश कुमार, सौरभ मिश्रा, मनीषा कुमारी, परवेज आलम, प्रमोद कुमार सिंह, रविन्द्र कुमार, चंद्रदीप यादव, सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को मिली जीत का श्रेय सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को जाता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।